तो पहला उदाहरण इस प्रकार है, जैसा कि आप देख रहे हैं हम इन उदाहरणों में शुरुआत करते हुए सरल गणनाओं से गुण गणनाओं की ओर चलेंगे तो पहला उदाहरण इस प्रकार है कि जया ने अपने अवकाश की छुट्टी पर दो पुस्तकों को ले जा रही है उसके पहली पुस्तक को पसंद करने की प्रायिकता दशमलव पाँच है और वह दूसरी पुस्तक को पसंद करेगी की प्रायिकता दशमलव चार है और वह दोनों पुस्तकों को पसंद करेंगी की प्रायिकता दशमलव तीन है तभी उसके दोनों पुस्तकों को नापसंद करने की प्रायिकता क्या होगी तो इस प्रश्न के कथन में यहाँ पे दो घटनाएं हैं कि जया नामक लड़की या तो पुस्तक एक या पुस्तक दो ले जाएगी दोनों की उसको पसंद करने की प्रायिकता हमें दी है और दोनों को पसंद करने की और इन्हीं एक पुस्तकों को पसंद करने की प्रायिकता दी है और हमें गणना करनी है कि वो कोई भी पुस्तक को नहीं पसंद करेगी इसकी प्रायिकता क्या होगी तो इस प्रश्न का हल आ, हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कि बी आई दर्शाता है उस घटना को जया आई वी पुस्तक को पसंद करती है यहाँ आई का मान एक और दो है पुस्तक एक और पुस्तक एक दो को इंगित करने के लिए तो वह घटना जब जो, जो कोई एक पुस्तक पसंद करती है उसको हम बी आई से निर्दिष्ट करते हैं अब जया कम से कम एक पुस्तक के को पसंद करेगी हमें यह पता है कि जया पहली पुस्तक को पसंद करेगी प्रायिकता क्या है उसकी दूसरी पुस्तक को पसंद करने की प्रायिकता क्या है और वह दोनों पुस्तक को पसंद करेगी तो इससे हम यह प्रायिकता निकाल सकते हैं कि जया कम से कम एक पुस्तक को पसंद करेगी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारी अभिष्ट प्रायिकता तो यह है कि जया कोई भी पुस्तक को नापसंद करती है लेकिन जल्द ही आप समझेंगे कि प्रश्न के कथन में दिए हुए प्रायिकताओं के माध्यम से हम निम्न प्रायिकता को ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं अन्यथा कि इच्छित प्रायिकता के तो हम ये देखते हैं कि दो घटनाओं क्रम जैसे कि हमने बी वन पुस्तक एक को पसंद करने की प्रायिकता बी टू जिसे पुस्तक दो को पसंद करने की प्रायिकता सं है इन दोनों के सम्मिलन के प्रायिकता होगी पुस्तक एक को पसंद करने की प्रायिकता जया द्वारा जया द्वारा पुस्तक दो को पसंद करने के प्रायिकता के योग परंतु यह दोनों प्रायिकताओं में वह घटना भी सम्मिलित होगी जब वह दोनों पुस्तकों को पसंद करती है और हमें प्रश्न के कथन में यह दिया हुआ है कि जया दोनों पुस्तक को पसंद करेगी इसकी प्रायिकता क्या है तो अतः यह घट गट, तीनों घटनाएं आपस में एक दूसरे का मिलाप है तो वह मिलाप की प्रायिकता हमें दी हुई है हम उस प्रायिकता को इन दोनों प्रायिकताओं के योग में से घटाने पर हमें इच्छित प्रायिकता मिलेगी कि वह कम से कम एक पुस्तक को पसंद करती है तो आइए प्रश्न के कथन में दिए हुए जानकारी के हिसाब से इन प्रायिकताओं को इस प्रकार भरें तो प्रायिकता पहली पुस्तक को पसंद करने की चूंकि दशमलव पाँच दूसरे की दशमलव चार और दोनों को दशमलव तीन थी तो दशमलव तीन की प्रायिकता को हमने घटाया इन दोनों योग में से तो हमें प्रायिकता का मान दशमलव छः मिला। अब हम यह जानते हैं कि जया दोनों पुस्तकों को अगर नापसंद करती है तो यह घटना पूरक है उस घटना की जबकि जया ने कम से कम एक पुस्तक पसंद की हो तो इसलिए हम इच्छित प्रायिकता को निम्न प्रकार निकाल सकते हैं इच्छित प्रायिकता है कि वह पुस्तकों को न दोनों पुस्तकों को नापसंद करें तो वह पूरक है तो हम इस प्रकार उस प्रायिकता को लिख सकते हैं चूँकि इस प्रयोग में दो पुस्तकें हैं तो हमें पता है कि या तो वह कोई एक पुस्तक पसंद करेगी या दूसरी करेगी दोनों को करेगी या किन्हीं भी पुस्तकों को पसंद नहीं करेगी यही इस प्रयोग में और इस प्रश्न में प्रतिदर्शी समस् की घटनाएं हैं तो प्रतिदर्शी समस की प्रायिकता का मान एक होता है इसे एक में से जो गणित प्रायिकता है कम से कम एक पुस्तक को प्रकट करने की अगर उसे हम घटाएँ तो हमें उस इच्छित प्रायिकता का मान प्राप्त होता है दशमनौचार तो आपने देखा कि हमने कैसे निर्दिष्ट प्रायिकता को गणित किया ता के मूल सिद्धांतों का उपयोग करते